सरकारी जॉब ले लो तो काम नहीं करना पड़ेगा, तो फिर काम ये आई थिंक मैं समझता हूँ कि सेम लग रही होगी। नहीं भी कंप्लेन कर चुका हूँ इसका, प्रिंटर है क्या? प्रिंटर हमारे पुस्तक खत्म हो जाएंगी, केस खत्म नहीं होगा। देखो राम राम। और दिन की शुरुआत भाई 7 बजे मेरे को 5 मिनट पहले हो रही है, और आज का ये टाइमिंग इसलिए सेट हो रही है क्योंकि मैं आपको चीज बता दूँ, स्कूल ओपन हो चुके हैं और स्कूल ओपन होने से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, लेकिन बस एक चीज़ डिस्टर्ब नहीं हुई, वो सिमिलर है, वो है नींद। तो भाई नींद क्या है, सुबह सुबह खुल जाती है अपने आप, अलार्म सेट है 5 पीस का, तो नींद की तो कोई टेंशन है नहीं। और ऐसा कुछ होता ही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हो ना तो भाई नींद आती ही नहीं, और इससे एज मांगे तो बिल्कुल नींद नहीं आती। फिलहाल आज से डे स्टार्ट करते हैं, उसके साथ करते हैं नाश्ता। तो ये नाश्ता हमने सुबह सुबह भाई क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि दोपहर का लंच में ले जा नहीं रहा अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सेटिंग कर रहा हूँ ऑफिस में, अगर ऑफिस में सब कुछ सेट हो गया देन उसके बाद मैं लंच लेना शुरू करूँगा, क्योंकि बीच में पहले एडमिशन की कहानी थी अप्रैल में, और अब जो है मार्कशीट की कहानी बन रही, तो उसमें टाइम का पता चल रहा है, मतलब कि 1:30 बज जा रहा है, 2 बज रहा है, 2:30 बज जा रहा है, तो लंच लेने का टाइम मिलेगा नहीं। दूसरा जो हम तो असिस्टेंट है ऑफिस में, जो हेड उनकी कहानी है, क्योंकि हेड पुराने हैं और हेड उन्होंने कितनों को सिखाया, तो चक्कर में थोड़ा सा कड़ी में है, उनकी बातें अलग हैं, उनकी बातों से मैं क्या बताऊं कहानी को। और दूसरा कहते हैं ना कि एक प्राइवेट जॉब लोग, मैं समझ गया क्यों छोड़ते हैं प्राइवेट जॉब से, लोग प्रीफर क्यों करते हैं गवर्नमेंट को, इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि सरकारी में काम नहीं करना पड़ता। एक क्वेश्चन था कि सरकारी जॉब ले लो तो काम नहीं करना पड़ेगा, तो फिर काम करेगा कौन? सोच लो। नाश्ता वास्ता हमारा एंड हो चुका है और हम चलते हैं अब स्कूल की तरफ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा हम निकलता स्कूल, क्योंकि स्कूल पहुँचने जरूरी है टाइम से, क्योंकि 7:10 से पहले एंट्री लूँगा वरना ऑफिस का काम मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा सब चीज़ें। और दूसरा भाई देखो तुम्हारे भाई के बाल आ गए पूरे, ठीक है, बाकी आदिवासी तेल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिना उसके भी मेरे चूटी ज़्यादा मुझे बदल गया, तो बाकी तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ आ गया। सुबह से दोपहर का एहसास नहीं होता, कब दोपहर हो गई कब क्या हो गया, लेकिन आज के मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ ऑफिस निपटाते हुए, और पता एक छोटी सी चीज़ भाई देखो ये ना, मतलब मन करता कर कभी ना कुछ चीज़ों से बात करूँ बैठ के, तो प्लान करता हूँ हो सकता है कि आज ही एक वीडियो बनाऊँ, बात करते हैं डिस्कस करते हैं, बिना उसके बाद ना मज़ा नहीं आएगा, तो फिलहाल अभी निकलता हूँ घर की तरफ, ठीक है। सो भाई मैं स्कूल से आने के बाद सीधा सेंटर पे था, और टाइम अप्रोक्सीमेटली 7 बज चुका है, और आने के बाद देखो मेरी जो एनर्जी है आई थिंक मैं समझता हूँ कि सेम लग रही होगी, जिसमें कि मैंने 4 से 5 बिस्किट खाए हैं और उसके बाद पानी पिया है, और दोपहर से कुछ नहीं खाया था, सेंटर पे था क्योंकि सीधा डायरेक्टली आगे था, एक कॉल था कि वो आए थे पेटीएम बैंक से, तो उसके लिए हमें गेटवे लेना है, क्योंकि पेमेंट गेटवे हमें अब मैंडेटरी हो चुका है हमारे कैफे पे, और बहुत ही जल्द आपको ये अपडेट मिलेगी कि हम लोगों को ये सब चीज़ें मिलेंगी। सोच रहा हूँ कि वीडियो शूट करूँ आप लोगों को चीज़ें अपडेट करूँ, बट हो क्या रहा है। और एक सेकंड चीज़ मैं इस चीज़ बताऊँ यार, सबसे ज़्यादा ना मेरे को बड़ा दिक्कत हो रही है इस प्रिंटर में HP का, मैं कितनी भी कंप्लेन कर चुका हूँ इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, इसमें इतने ज़्यादा फंक्शन है, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कौन सी चीज़ कब से कैसे करप्ट जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, हर एक चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, हर चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, हर चीज़ को मैं वो कर रहा हूँ, उसी हिसाब से बैलेंस के हिसाब चल रहा हूँ, इसमें बोला कि 250 पेज से नीचे पेज होने चाहिए, मैं पेज पूरे रख रहा हूँ, इंक डाउन होनी चाहिए वो इंक मैं पूरे प्रॉपर रख रहा हूँ, और मैं स्पेशल ही देखो आपको मैं जैसे दिखाया था कि मैं इंक परचेस करके लाया था ये वाली, ठीक है, और इंक जो उसका प्राइस देख लो आप आएगी 887, तो मुझे 850 की मिली, बस 37 रुपये का डिस्काउंट मिला, वो इससे मिला क्योंकि काशीपुर की परिचित शॉप है, वहाँ से मैंने कहा तो 37 को उन्होंने ऑफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया इतना ही मार्जिन मनी हमारा होता है। और सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रिंटर का मैं क्या करूं, तो आप मुझे सोल्यूशन बता दो कि मैं इसकी कंप्लेंट कैसे करूं। और हाँ HP कंपनी वालों, अगर मेरे को आपको मेरी वीडियो वाला आपको मिल रही है तो प्लीज़ मुझे सोल्यूशन दे दो, क्योंकि मेरे साथ में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, परेशान हूँ भाई, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, ये प्रिंटर है क्या? प्रिंटर का मुँह से गाली निकल रही है, मैं लिटरली बोलूँ मेरे को मुँह से गाली निकल रही है, ऐसा पैकेट प्रिंटर देखा है, इससे अच्छा तो भयंकर मैं एप्सन का लेता और एप्सन का कलर प्रिंटर लेता तो वो मुझे सबसे ज़्यादा कमा कर देता कंपेरिजन टू दिस प्रिंटर, क्योंकि अभी तक मैं इससे इतनी कमाई नहीं कर पाया हूँ कि मैं इसका पूरा रिकवरी कर पाऊँ। फोटोस्टेट कर रहा हूँ, हालांकि मैंने यहाँ प्राइस आपको पता, मैंने 1 रुपये रखा हुआ है, 1 रुपये प्राइस है मेरी फोटोस्टेट का, ज़्यादा प्राइस नहीं ले रहा हूँ, मार्जिन मनी के हिसाब से देखा तो इंक कार्टेज की 850 की, जो मुश्किल से इसने 167 पता नहीं 180 पेज मतलब लगभग 200 पेज समथिंग इसे निकाले,
अब आप डिवाइड करके देख सकते हो कि अगर 200 पेज 850 की इंक में निकाल रही है जो दावा कर रही कंपनी की, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग बोलोगे कि भाई पता नहीं कैसे उल्टा बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट लिटरली कहाँ लिखा था मैं आपको दिखा देता हूँ। इंक में देखो देखो ये चीज़ समझना, ठीक है। और कितने पेज दिखा रहा है, 2500 पेज निकालेगी ये इंक, और निकाले कितने से 200 पेज, तो साला जो कहने में से 10 गायब कर दिया, और 250 मतलब 2500 पेज बोले, 2500 पेज बोल के मात्र मुझे भाई 200 पेज निकाले, सोच सकते हो कितना गुस्से में। बट क्या करें, स्माइल करनी पड़ती है, कंपनी है, क्या कर लेंगे कंपनी का हम, क्या कर लेंगे हम जैसे नमूने होते हैं, कितने लाइन में लगे हुए हैं, इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, कागजी कार्रवाई है, केस में केस लड़ते रहो, हमारे पुस्तक खत्म हो जाएंगी, केस खत्म नहीं होगा, इंडिया है ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो भाई, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो। अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई मैं फ्रस्ट्रेट ना हो, तो प्लीज़ छोटी सी हेल्प कर दो, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि HP कंपनी तक पहुँचे और HP कंपनी वालों को थोड़ा समझ में।